सुन ले, देख 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 अब देख एक मिनट। नमस्कार, आप देख रहे हैं केएनएन मीडिया और इस समय हम आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं बल्लभगढ़ के आदर्श नगर से। हम पहले भी लाइव हुए थे परंतु किन्हीं कारणों की वजह से ये लाइव रुक गया था, परंतु अब फिर से हम लाइव हो चुके हैं और आपको एक बड़ी खबर से हम अपडेट करा देते हैं कि आदर्श नगर पुलिस ने आखिरकार एक ऐसे शराब तस्कर को पकड़ा है जो कि काफ़ी लंबे समय से शराब की तस्करी बल्लभगढ़ के हरि विहार में कर रहा था और आज उसे पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अवैध शराब का जो जखीरा है वो पकड़ लिया है। फिलहाल पुलिस की तरफ से जो है कार्रवाई की जा रही है, शराब सील हो चुकी है और जो कट्टे आप देख रहे हैं सामने जो रखे हुए, ये वही शराब है जो अवैध तरीके से हरि विहार के अंदर बेची जा रही थी और लोगों को नशे की तरफ धकेला जा रहा था। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक नई मुहिम यहाँ पर चलाई है जहाँ पर हरियाणा को नशा मुक्त करने की तैयारी सरकार की ओर से की गई है, परंतु ऐसे में शहर के अंदर अवैध तरीके से बिक रही शराब कैसे आखिर होगा हरियाणा नशा मुक्ति, ये बड़ा सवाल है। और एक बड़ा सवाल और यहाँ पर यह है कि आखिर इतने लंबे समय से इतनी शराब बिक रही थी तब कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई, ये बड़ा सवाल है। और हालांकि जब शराब पकड़ी जाती है तो आरोपियों को डर नहीं होता क्योंकि शराब जो तस्कर हैं जो पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई तो पुलिस की ओर से की जाती है, परंतु सजा के नाम पर उन्हें क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी सज़ा, क्योंकि बोतल के आधार पर उनके ऊपर जुर्माना होता है और उस जुर्माने में जस्टिस की ओर से या फिर जज की ओर से क्या कुछ सज़ा दी जाती है और उसके बाद जो सज़ा उन्हें मिलती है, क्योंकि जो अब तक की जो कार्रवाई होती रही है उसमें एक बोतल पर 500 रुपये का जुर्माना होता है और 500 रुपये के जुर्माने के बाद उसके हौसले इतने बुलंद होते हैं कि उसे पता है कि कार्रवाई ज़्यादा होनी नहीं है और ऐसे में वो फिर से उसी काम को करता है। बार बार पुलिस द्वारा इस तरीके के अभियान चलाए जाते हैं, उन्हें पकड़ा जाता है और वो फिर भी वही काम करने के लिए बैठ जाते हैं, ये बड़ा सवाल है। और आज हम इसी सवाल को लेकर के पुलिस अधिकारियों से मिलेंगे, परंतु फिलहाल हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे कि हरियाणा सरकार की मुहिम आखिर कैसे सफल होगी, कैसे जो लोग हैं वो सुधरेंगे, क्योंकि फरीदाबाद के हरि विहार में आज इतनी बड़ी भारी मात्रा में शराब पकड़ी है, लगभग 10 से 15 पेटी के बीच का जो है आंकड़ा बताया जा रहा है। और हम एक बार वो आंकड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या आंकड़ा है ये जो अवैध शराब यहाँ पर पकड़ी है और कार्रवाई आखिर इसके खिलाफ क्या होगी, ये बड़ा हम बात करेंगे इस पर भी। तो एक बार आंकड़ा आप सुन लीजिए, बोतल 120 मस्ताना की बोतल है जो देसी शराब की है, क्योंकि इसमें अद्धा और पौवा मिलाकर के बोतल का अगर जो एग्जैक्ट फिगर हम बताएं तो लगभग 120 बोतल बताई जा रही है। वहीं 13.5 जो बोतल हैं वो अंग्रेजी शराब है रॉयल स्टैग की और इसके बाद चार बियर की बोतल हैं और इस तरीके से मिलाकर लगभग 10 से 15 के बीच की जो है यहाँ पर जो फिगर है वो लगाया जा रहा है पेटियों का। और फिलहाल पुलिस की ओर से जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं बदस्तूर जारी है, परंतु सवाल यही है कि ऐसे में जो आरोपी हैं उनके हौसले बुलंद होते क्यों ना, क्योंकि उनके खिलाफ जो कार्रवाई की अगर बात करें तो कार्रवाई हो नहीं पाती और यही कारण है कि वो फिर से उसी काम पर बैठ जाते हैं। परंतु ऐसे में सबसे ज़्यादा अब काम करने की ज़रूरत ये है कि पुलिस को सख्ती से इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और जस्टिस को भी ऐसे लोगों के खिलाफ सजा का एक ऐसा प्रावधान करना चाहिए कि दूसरी बार इस तरीके से शराब बेचने से उनकी रूह कांपे। और तब तक ऐसा नहीं होगा जब तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सपना हरियाणा को नशा मुक्त करने का पूरा नहीं होगा। देवदत्त जी हैं, ड्यूटी इंचार्ज हैं, जिन्होंने ये सराहनीय काम किया है, बात करने की कोशिश करेंगे। सर, ये कैसे पकड़ी, कहाँ से सूचना मिली थी और कितनी शराब है ये? मुखबर से सूचना मिली थी, रामजी लाल नाम के आदमी के घर मिली हरि विहार में जी। और 120 बोतल
देसी और 13.5 बोतल अंग्रेजी रोस्टेक, 3 बियर बरामद। सर पुलिस मेहनत तो बहुत करती है, पकड़ भी लेती है आरोपियों को, पर आरोपी है कि सुधरने का नाम नहीं देते, इसकी वजह क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं देसी शराब पकड़ी जाती है तो 500 रुपये जुर्माना हो जाता था, 600 रुपये जुर्माना होता था, पर वो मानते नहीं थे। क्या अब कोई प्रावधान ऐसा हुआ है कानून में कि इन लोगों की रूह कांपे? नॉन अवेलेबल हो गया, सरकार ने नॉन अवेलेबल कर दिया, जुडिशल जाना पड़ता है और मुकदमा चलता है। अच्छा, पहले कन्फेशन हो जाता था, कन्फेशन नहीं होता, मुकदमा चलता है। सर एक बड़ा सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि इतनी भारी मात्रा में शराब पकड़ी है और काफ़ी लंबे समय से ये काम चल रहा था, तो आखिर पुलिस की नज़र इस पर क्यों नहीं पड़ी, क्यों इसे पहले से ही नहीं काबू किया गया? आज हम देख रहे हैं कि इतनी भारी मात्रा में पुलिस ने कार्रवाई तो की, अच्छी सराहनीय कार्रवाई है, परंतु ये पहले की जाती तो हो सकता था कि इतने सारे लोगों को बेवड़ा नहीं बनाते ये लोग। जब तक पब्लिक पुलिस का साथ नहीं देती तब तक कामयाबी नहीं मिली। पब्लिक का साथ भी पुलिस को बहुत जरूरी है। चलिए, हमारे साथ बहुत सारे दर्शक लाइव जुड़े हुए हैं, कोई मैसेज ऐसा देना चाहेंगे पब्लिक के लिए ताकि ऐसे लोगों पर जो है नकेल कसी जा सके? हम ये पब्लिक से प्रार्थना करना चाहेंगे कि अगर ऐसे लोगों के बारे में पता चले तो तुरंत गुप्त नंबर से दे या खुद बतावे, इनकी सूचना दे ताकि इन पर लगाम लग सके। चलिए, पुलिस की तरफ से भी कोई पहल की जाएगी? पुलिस की तरफ से सभी को बार बार मीटिंग करके, बीट अफसर जो हमारे हैं, सिपाही जी हैं, बीट इंचार्ज हैं, उन्होंने बार बार कह रखा है कि अपने अपने घरों में जो भी किराएदारों की वेरिफिकेशन कराएं और जो भी कोई शराब गांजा या किसी तरह की तस्करी सट्टेबाजी करता है उसके बारे में सूचित कराएं। चलिए, और जब भी सूचना मिलती है तो तुरंत कार्रवाई की जाती है, पर्चे दर्ज किए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देवदत्त जी हैं जो ऐसे ही करते रहे, ये ड्यूटी अफसर हैं जिन्होंने ये सराहनीय काम किया है, परंतु एक सवाल यहाँ जरूर है क्योंकि हरी विहार में सभी जगहों के जो लोग हैं वो रहते हैं और हरी विहार के अंदर वो सारे काम होते हैं जो कि एक अन्य जगह पर नहीं पाए जाते, चाहे हम शराब की बात करें, चाहे हम जुआ खानों की बात करें या फिर अवैध तरीके से हो रहे धंधों की बात करें, तो तमाम तरीके की चीज़ें हरी विहार के अंदर जरूर मिलेंगी, परंतु पुलिस जो है समय समय पर कार्रवाई तो करती है, परंतु जो कार्रवाई है वो ठोस हो जाए तो ऐसे लोगों पर नकेल कस जाती है। और इतनी भारी मात्रा में ये शराब मिली है, इससे साफ जाहिर एक चीज़ होती है, यदि पुलिस अगर पहले से इन पर नकेल कसती या फिर इन पर शिकंजा कसती तो आज इतनी भारी मात्रा में ये शराब इकट्ठा नहीं कर पाते। परंतु जो मुख्यमंत्री का जो सपना है नशा मुक्त करने का, ऐसे में साकार करने के लिए पुलिस प्रशासन को ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों के खिलाफ एक ऐसी कार्रवाई की जाए जो कि इनकी रूह कांपे और ऐसा काम करने से पहले 100 बार सोचे। हालांकि हरी विहार से शराब को जो है यहाँ पर बरामद किया गया है, परंतु ऐसे में पुलिस को सख्त होना पड़ेगा क्योंकि हरी विहार के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी बदस्तूर जारी हैं, पुलिस को पता नहीं होती और हरी विहार के अंदर इस तरीके की चीज़ें बहुत सारी चल रही हैं। अगर आगे इन पर नकेल नहीं कसी गई तो ये जो धंधे हैं वो जस की तस चलते रहेंगे और जो हौसले हैं वो उनके इसी प्रकार बढ़ते रहेंगे। फिलहाल जो हमारे लाइव सभी दर्शक जुड़ रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। मैसेज पब्लिक के लिए एक ये है कि पब्लिक की ओर से भी पहल की जानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर पब्लिक का साथ नहीं होगा तो पुलिस अकेली कुछ नहीं कर सकती, परंतु कहीं ना कहीं पब्लिक को भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ जहाँ भी कोई सूचना मिले तुरंत पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर दिया जाए ताकि उनका नाम भी सामने नहीं आएगा और जो पुलिस की कार्रवाई है वो भी कहीं ना कहीं होनी चाहिए। फिलहाल जो तमाम जो शराब जो अवैध शराब है उसे सील कर दिया गया है और इसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि आरोपी है वो जो है अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, फरार हो गया था मौके से क्योंकि जैसे ही उसे सूचना मिली तो वो कहीं ना कहीं मौका देख करके वहाँ से भागने में कामयाब हो गया और उसके बाद जो पुलिस है उसने जो अवैध शराब है वो अपने कब्जे में कर ली। फिलहाल पुलिस की ओर से जो है कार्रवाई यहाँ पर चल रही है और देखते हैं कि इसमें आखिर आरोपी को क्या सज़ा मिलती है या फिर वो इसी प्रकार बदस्तूर जो है अपने जो काम जो चल रहा है उसका जो कर रहा है अभी तक शराब बेचने का अवैध तरीके से, क्या वो फिर से उसी धंधे को चुनता है या फिर सज़ा इतनी कड़ी मिलने वाली है उससे जो आगे से वो इस तरीके के धंधे को करने से पहले 100 बार सोचेगा। फिलहाल हमारे साथ तमाम लाइव दर्शकों का लाइव आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर होगी मुलाकात एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए K9 मीडिया और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।
मसाला